साजिश को अवाम में लाने के लिए मुख्तलिफ जमातों से हम भी उनके दफ्तर में जाकर मिल रहे हैं। आज पहला दिन है, पहली जमात जमात इस्लामी से ही हमने आज आगाज किया है मुस्लिम जमातों से मिलने का। आगे भी हम मुस्लिम जमातों से मिल रहे हैं और यही बताना चाह रहे हैं केसीआर साहब सेकुलर नहीं है, ये मोदी जी के एजेंट है। मिसाल के तौर पर जब भी केसीआर साहब मोदी साहब सरकार में आए, पहला फैसला नीति आयोग, सबसे पहले मदद केसीआर करे, डिमोनेटेशन, जीएसटी, उसके बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ, ट्रिपल तलाक में एब्सेंट रहे, और आज हम डिमांड कर रहे हैं उसे कि अब जो भारतीय जनता पार्टी ने बिल राज्यसभा में रुक के रहने के बावजूद भी ऑर्डिनेंस लाकर ट्रिपल तलाक का जो बिल पास कराया है, चंद्रबाबू नायडू ने अपना मौकूफ बता दिया कि मैं इसको अपोज कर रहा हूं। कांग्रेस तो पहले से अपोज कर रही है, लेकिन केसीआर साहब आज भी मम है, खामोश है, ना मर्द बन रहे ना औरत बन रहे। हम ये पूछ रहे हैं कि ना मर्द मत बनो या कुछ भी बोलो, ये इसकी मदद कर रहे हैं बिल की या इसकी मुखालफत कर रहे हैं, नंबर वन। नंबर दो, 12% मुस्लिम रिजर्वेशन आखिर है कहां? कब मोदी जी किसे लड़ने वाले थे आप? कब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे? 450 साल हो गया, नया इलेक्शन भी आ रहा है, अब 12 पे आप क्या बोलना चाह रहे हैं मुसलमानों को, क्लैरिटी से बताइए। इसी तरीके से 12% से हटकर ऑल एयर इनकाउंटर से लेकर मुस्लिम जितने भी